नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूँ और इस बुक का ऑथर हूँ, इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। वेल, इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले, ये बुक अपने आप में पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अपना तरह की पहली किताब है जिसकी हेल्प से आप 80% डिक्शनरी विद इन 6 मंथ याद कर सकते हैं। ना केवल याद कर सकते हैं बल्कि लंबे समय तक उसको याद रख भी सकते हैं। ठीक, तो हम पिछले कुछ वीडियो से पिजोरेटिव प्रिफिक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। पिजोरेटिव प्रिफिक्सेस वो प्रिफिक्सेस होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि इंग्लिश लैंग्वेज में 9 तरह के प्रिफिक्स हैं, ठीक, और 4 तरह के सफिक्स हैं। उनमें से एक प्रिफिक्स जिसको हम पिजोरेटिव प्रिफिक्सेस कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। और उसी श्रेणी में हमने आज 2 प्रिफिक्स लिए हैं, ILL और कको CACO। तो आप देखेंगे हर वर्ड के अंदर इल कॉमन है और यहां ककओ कॉमन है। ककओ और इल का मतलब होता है खराब, रॉन्ग। ठीक, तो देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं। इल एडवाइज्ड का मतलब, एडवाइस का मतलब होता है किसी को सलाह देना, गलत सलाह देना, या इल जज्ड, इल बिहेव्ड का मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना, बिहेविंग बैडली। इल डिफाइंड का मतलब किसी चीज की परिभाषा सही तरीके से नहीं देना, या हैविंग नो क्लियर आउटलाइन, कोई भी बात जो है ना वो क्लियरली नहीं है, वेग है, यानी के अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। ठीक, इल फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, कुख्यात, डिसरेप्यूट। इल लक, लक का मतलब किस्मत और इल का मतलब खराब, तो बैड लक। कैकोडिमोन, डिमोन का मतलब होता है स्पिरिट और कैको का मतलब खराब, यानी कि एन इविल स्पिरिट, खराब स्पिरिट। कैकोडॉक्सी, डॉक्स का मतलब होता है ओपिनियन या सिद्धांत, कैको का मतलब खराब, तो कैकोडॉक्सी का मतलब हो गया बैड डॉक्ट्रिन और रॉन्ग ओपिनियन, गलत ओपिनियन। ककोग्राफी, इसको कैकोग्राफी नहीं कहते, इसको कहते हैं ककोग्राफी, खराब। ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, तो खराब राइटिंग का मतलब ककओ लग गया तो खराब हैंड राइटिंग। ककोलॉजी, बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स। लॉग का मतलब वर्ड होता है लॉग, और लची का मतलब होता है साइंस, स्टडी एंड साइंस ऑफ। वैसे लची का मतलब हर जगह स्टडी एंड साइंस होता है, और ककओ का मतलब यहां बैड है, लॉग का मतलब वर्ड्स, शब्द, गलत शब्दों का चयन। ककोफोनी, ककओ मीन खराब, फोन का मतलब आवाज, हार्श और अनप्लेजेंट साउंड, वो साउंड जो कानों के लिए अच्छी नहीं हमें लगती है, इसको कहते हैं कर्कश आवाज। तो ये सारे वर्ड्स इस बुक में दिए गए हैं जिसका नाम है इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक Amazon और Flipkart पर अवेलेबल है। अगर आप बल्क में मेरे से मंगाना चाहते हैं या डायरेक्टली मेरे से मंगाना चाहते हैं बुक को, तो आप मुझे 9810388
344 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।